जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा लॉज जो है लॉ ऑफ डिफरेंस प्रोपोर्शन, इसके बारे में हम देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आज हम देखेंगे सेकेंड लॉ इसमें आता है लॉ ऑफ डिफरेंस प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डिफरेंस प्रोपोर्शन ये जो है लॉ ऑफ डिफरेंस प्रोपोर्शन जॉस प्रॉस्ट ने दिया था। जॉस प्रॉस्ट ने 1797 में ये जॉस प्रॉस्ट ने इस लॉ को दिया था। देखिए ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि एक कंपाउंड जो है कहीं से आप ले लीजिए, एक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। एक कंपाउंड जो है ना आप कहीं से ऑब्टेन उसको प्राप्त कर लीजिए, उसका कोई प्लेस हो सकता है, बट द रेशियो ऑफ कंपाउंड रिमेन सेम वाई वेट। आप देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इससे एलिमेंट यहाँ पर ए है, ए प्लस बी, एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट टू सेकेंड दोनों को अगर हम ऐड किए तो ये बनाया कंपाउंड ए बी। अब कंपाउंड ए बी जो बनाया, अब कंपाउंड देखिए इसका तो कुछ मास होगा, एटॉमिक मास जिसे कहते हैं, मास के चलिए इसका मास एम वन आया और इसका बी का मास एम टू आया। तो आप फर्स्ट नंबर में देखिए ए का एटॉमिक मास मान के चलिए आप एम वन आया और बी का एटॉमिक मास एम टू आया। तो अब इसका कहना है कि ये कंपाउंड आप कहीं से लीजिए, कंपाउंड इससे मैटर नहीं करता है, आप कहीं से उठाइए कंपाउंड को तो इसका जो है ना फिर क्या कहता है, रेशियो ऑफ कंपाउंड, रेशियो ऑफ बोथ एलिमेंट जितना है रेशियो इसका, तो एम वन रेशियो एम टू ये हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। आप कंपाउंड को ए लिए प्लस एलिमेंट बी दोनों को हमने ऐड किए तो एक कंपाउंड बनाया। कंपाउंड में क्या, कंपाउंड का जो रेशियो है कहीं रेशियो जो है वह नहीं चेंज होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है कि इसका जो कहीं से आप डिफरेंट सोर्स लीजिए इसका कंपाउंड फिक्स होता है। आप इसका एग्जांपल हम देखते हैं उससे स्पष्ट होगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन में हम ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है CO2, तो यहाँ पे क्या होगा, टू हो जाएगा टू। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, अब कार्बन का एटोमिक मास कितना होता है, 12 होता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब देखिए अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बनाया, CO2। अब कार्बन का कितना मास है, 12, एंड ऑक्सीजन का 12 रेशियो 16 इंटू 2 कि 12 रेशियो 32, अगर इसको हम आगे करेंगे 3:8 आएगा, कितना आया, 3:8। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब CO2 जो है, ये CO2 आप कहीं से ले लीजिए, मान के चलिए CO2 आ गया अमेरिका से, CO2 कहाँ से लाइए हम, कनाडा से वो आप CO2 कहीं से लाइए, CO2 जो है कंपाउंड कहीं से आप डिफरेंस सोर्सेज से प्राप्त कीजिए, लेकिन उसका रेशियो जो है ना 3:8 ही होगा, कंपाउंड का रेशियो क्या होगा, 3:8 ही होगा। अब दूसरा भी एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाएंगे, ये जल बनाएगा H2O। अब H2O में क्या है, इसका हाइड्रोजन का एटोमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटोमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एटोमिक मास 16 होता है, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस 16 तो कितना, जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 2:16 तो 1:8। अब देखिए ये वाटर को जो है कंपाउंड, वाटर जो कंपाउंड बना तो इसका कितना निकला, 1:8। अब देखिए यहाँ ये जो है आप वाटर, चाहे आप रेन वाटर या सी वाटर ले लीजिए या रिवर वाटर या गंगा वाटर ले लीजिए या लेक वाटर ले लीजिए, अब कहीं से वाटर उठाइए, आप पीने वाला वाटर जो है वो ले लीजिए आपके सामने जो है, सभी का रेशियो जो है 1:8 ही होगा। ये कौन लॉ बताता है, लॉ ऑफ डिफरेंस प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफरेंस प्रोपोर्शन बताता है। तो
इसको देखने के बाद इसमें एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस तरह से इसका बोर्ड में जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन में एक क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन रेशियो 1:8 में। अब सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कितना H2+O क्या बनाता है, ये H2O बनाता है। इसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन किए ये कितना रेशियो बनाता है, बनाया 1:8। तो इसका अगर रेशियो हम देखते हैं तो 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पे 2 एटम है तो 2 हो जाएगा 16, तो कितना 1:8 हो जाएगा, 1:8। तो यहाँ पे दिया भी है क्वेश्चन में 1:8 बनाता है बाय मास। अब देखिए व्हाट इज मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीट 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन में कितना ऑक्सीजन होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना निकल ऑक्सीजन है, 8 ग्राम है। 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन लेता है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितना लेगा, 3 ग्राम हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन 3 ग्राम, तो 8 × 3 24 ग्राम। तो ये क्वेश्चन में कहना है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो 1:8 में कंबाइन करता है, तो ये जब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेता है तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन लेगा, 24 ग्राम। तो इसका क्वेश्चन नंबर बी में किया गया है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये इसका आंसर हुआ।